हाय गाइस, आज कोकीज किचन में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए गुजरात का स्पेशल मेथी पकोड़ा। जी, हम मेथी की भाजी यूज़ करने वाले हैं। जो पकोड़ा बनता है, हर तरह से हम पकोड़ा बनाते हैं, जैसे प्याज का होता है और आलू का होता है, उसी तरह हम ये मेथी डाल के बनाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं किस तरह बनता है। मैंने 2 बाउल्स ऑफ बेसन लिया है, छान के ले लिया है मैंने। पहले हम अजवाइन डाल देंगे 1 टीस्पून, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर है, 1 साबुत धनिया है, मैंने इसे कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, 1 ग्रीन चिल्ली और गार्लिक पेस्ट है, 1 टीस्पून है ये, 1 सूजी ऐड कर देंगे इसमें, 3 टीस्पून से। इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम नमक डाल देते हैं इसमें स्वाद अनुसार। ये अच्छे से मिलाने के बाद हमें इसमें डालना है कोरिएंडर लीव्स, 1/2 बॉल मैंने लिया है। अब हम डाल देंगे इसमें खाने का सोडा 1/4 टीस्पून। अब हम डालेंगे इसमें मेथी की भाजी फेनुग्रीक लीव्स, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है। ये इसके डालने से स्वाद इसका बहुत ही मजेदार होने वाला है। अब हमें इसे हाथ से मिक्स करना है और इसका बैटर बनाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसका बैटर बनाएंगे। हमें इसे बहुत थिक नहीं रखना है, ना इसे रनी बैटर बनाना है, बिल्कुल हम इसको मीडियम रखेंगे। बस इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए मेथी पकौड़ा बनाने के लिए। ये गुजरात का बहुत ही फेमस स्नैक है, आप भी बनाइए, आपको भी बहुत पसंद आएगा। इसमें शक्कर भी डाला जाता है, लेकिन मैंने यहाँ स्किप किया है शक्कर, आप भी चाहे तो डाल सकते हैं। गुजरात की स्पेशलिटी है कि कहीं ना कहीं शक्कर तो डालते ही है। चलिए अब हम कढ़ाई रख लेते हैं। मैंने यहाँ तेल रेडी किया हुआ है, थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम पकौड़ा बनाना शुरू करते हैं। थोड़ा सा डाल के देख लेते हैं तेल अच्छे से गर्म हो गया है या नहीं। तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें पकौड़ा डाल देते हैं।
सारे पकौड़े मैंने डाल लिए हैं इसमें। इसे हमें धीमी आंच पे ही पकाना है, अंदर से भी ये पक जाए और ऊपर से भी ये अच्छे से गोल्डन हो जाए। धीमी आंच पर इसे गोल्डन हुए तक मैं पका लेती हूँ इसे। मेथी पकौड़ा रेडी हो चुका है, मैं इसे निकाल लेती हूँ अभी। सात से आठ मिनट में पकौड़ा रेडी हो चुका है। इसी तरह मैं और थोड़े पकौड़े और बना लेती हूँ। बिल्कुल धीमी आंच पे ही हमें डालना है और धीमी आंच पे ही हमें पकाना है। ये मैंने दूसरी बार डाला था पकौड़ा, वो भी रेडी हो चुका है। इसे भी मैं अभी निकाल लेती हूँ। देखिए कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं ना, आपके मुंह में भी पानी आ गया होगा। चलिए तो आप भी ट्राई कीजिए और जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका पकौड़ा कैसे बना है। देखिए फ्रेंड्स, मेथी पकौड़ा बनके रेडी हो चुका है। मैंने इसे तली हुई मिर्ची के साथ सर्व किया है। तो आप भी ट्राई कीजिए इस रेसिपी को और ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी है। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिए इसे और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।